वो बुलेट ट्रेन ये जो गांव है इसकी जमीन से होकर जानी है। पहले बोला था 1,75,000 और दे रहा है 1 गुंठा का 30,000। ये एक बात यह है कि जो शहरी इलाके में गुंठे का 2.5 लाख दे रहा है, यहाँ जो 30,000 दे रहा है, तो ये जमीन है ना, वो जमीन नहीं का ये हाल ही में दी नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ने बुलेट ट्रेन के काम से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अब दी नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि बुलेट ट्रेन का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि 2027 तक बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ रही होगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद करना कोई बुरी बात नहीं होती है। बुलेट ट्रेन भी देर सवेर पटरी पर दौड़ेगी, इस उम्मीद में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक ऐसा मसला है जिसने गोली की गति से चलने वाली इस ट्रेन का रास्ता रोक रखा है। इस मसले पर संसद के बजट सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ रोशनी डाली थी। उन्होंने संसद को बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना यानी बुलेट ट्रेन के लिए 89% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी की वजह महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण में आ रही परेशानी है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी भी इस प्रोजेक्ट में देरी की एक वजह बनी है। उनके जवाब से जानकारी मिलती है कि बुलेट ट्रेन के लिए करीब 1,396 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। इसमें से करीब 1,248 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इस परियोजना के रास्ते में खड़े सबसे बड़े मसले के बारे में रेल मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले की 5 ग्राम पंचायतों ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन देने से मना कर दिया है। इन ग्राम पंचायतों ने अधिग्रहण के खिलाफ ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किया है। रेल मंत्री ने बताया कि इन ग्राम सभाओं के विरोध की वजह से महाराष्ट्र में अभी तक बुलेट ट्रेन के लिए जरूरी भूमि का सिर्फ 68% यानी करीब 297.81 हेक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण हो सका है। रेल मंत्री ने बताया कि NHRCL यानी द नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लगातार गांव के लोगों को भूमि देने के लिए समझा रहा है। कॉरपोरेशन के लोग यहां के ग्रामीणों को बुलेट ट्रेन के फायदे समझा रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें अच्छा मुआवजा और पुनर्वास का प्रस्ताव भी दिया गया है। बुलेट ट्रेन परियोजना में हो रही देरी पर यह सरकार का पक्ष है। इस पक्ष को सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ग्रामीणों की नासमझी की वजह से बुलेट ट्रेन और उसी क्रम में देश का विकास कहीं अटका हुआ है। लेकिन जिन गांवों ने अपनी जमीन नहीं देने का प्रस्ताव पास किया है उनका क्या कहना है? उन गांवों में कौन लोग रहते हैं? आखिर इन गांवों के लोग भारी मुआवजे और पुनर्वास पैकेज के बावजूद जमीन क्यों नहीं देना चाहते हैं? March 29 को हम लोग पालघर जिले के विक्रमगढ़ शहर में थे। यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी प्रदर्शन कर रहे थे। बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाली ग्राम पंचायतें
पालघर जिले की ही है। यह जिला आदिवासी बहुल जिला है और जिन गांवों की जमीनों का अधिग्रहण होना है वो आदिवासियों के ही गांव हैं। इस प्रदर्शन में मौजूद नेताओं ने बताया कि पालघर में बुलेट ट्रेन ही नहीं बल्कि जमीन और पानी को लेकर भी आदिवासी संगठित होकर लड़ते रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले 60 साल से आदिवासियों के जंगल, जमीन और पानी की लड़ाई यहाँ पर लगातार चल रही है। इस संघर्ष में कुछ जीत हासिल हुई है और बाकी मुद्दों पर लड़ाई जारी है। इस सिलसिले में नया संघर्ष बुलेट ट्रेन के लिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण का भी जुड़ गया है। ये तो बात रही एक राजनीतिक दल की जो इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। दोन दिवस संबंध देशभरातील ज्या कामगार संघटना आहेत त्या कामगार संघटनांनी एक हाक दिलेली आहे की 28 आणि 29 तारखेला संपूर्ण देशभरामध्ये काम बंद झालं पाहिजे अशा प्रकारची हाक दिलेली आहे। त्या हाकेला अनुसरून हे कार्यक्रम आपल्या पालघर जिल्ह्यामध्ये आपण घेत आहोत। काल डहाणू आणि तलासरी या दोन तालुक्या मिळून तिथली सर्व जनता रस्त्यावर उतरली होती। दापचरीला इथे हायवे जवळजवळ एक तास आपण बंद केला होता। ठरल्याप्रमाणे आज आपला विक्रमगड आणि जव्हारमध्ये हा कार्यक्रम होतोय। लेकिन गांव के लोग क्या कहते हैं इस मसले को और थोड़ा करीब से समझने के लिए हम पालघर जिले की डहाणू तहसील के धामण ग्राम पंचायत में पहुंचे। इस पंचायत ने बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। इस पंचायत में 3 रेवेन्यू गांव आते हैं। इस गांव में ज्यादातर वारली आदिवासी रहते हैं। ग्राम सभा के प्रस्ताव के बावजूद इन गांव के लोगों को व्यक्तिगत तौर पर प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उनसे जमीन अधिग्रहण की सहमति मांगी जा रही है। जब लोगों को यह पता चला कि हम इस गांव में घूम रहे हैं तो इस गांव के कई परिवार हमसे मिलने चले आए। इन लोगों से हमने पूछा कि मसला आखिर है क्या, बुलेट ट्रेन के लिए जमीन के बदले सरकार पैसा दे रही है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। पहले बोला था 1,75,000 और दे रहा है 1 गुंठे का 30,000 और पासपोर्ट तो कितना होता है पासपोर्ट त्यांनी सांगितले की पुलिस नाही तर येतील आणि ही म्हणजे सरकारचा प्रकल्प आहे हो हा कधीतरी होणारच असं त्यांनी सांगितलं असं ते कसे एकतरी करून ना जागा तर घेतीलच असं त्यांनी सांगितलं होतं पहिल्यांदा आले जेव्हा सर्वे करायला तेव्हा। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की टीम आजकल महाराष्ट्र के पालघर जिले में घूम रही है। ये धामन गांव है, यहाँ के कई लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ रमेश भीवा घुटे, ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आपने बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत सुना होगा। वो बुलेट ट्रेन ये जो गांव है इसकी ज़मीन से होकर जानी है और यहाँ के जो आदिवासी हैं वो इस बात से बहुत परेशान हैं। ये पूरा मसला क्या है इसको समझने के लिए रमेश जी से बात करते हैं और बाकी लोगों से भी बात करेंगे, कौन कौन से गांव हैं, क्या पूरा मसला है, इसको थोड़ा सा वो इलाका भी आपको दिखाएंगे और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो गांव है इसमें आपने बताया हमें कि 3 पाड़े हैं, अलग अलग 3 हिस्से हैं, क्या है पूरा बताइए। और वो अब तीनों गांवों को अलग अलग रेवेन्यू गांव मान लिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इस गांव के बारे में। ये धामन गांव है। हाँ। और इसमें से कम पूरे गांव में जो जनसंख्या है कम से कम 15,000 के आसपास है। बड़ा गांव है, बड़ा गांव है। हाँ। 3 गांव मिलके तो उसमें से जो ये इधर का जो आदिवासी लोगों का जो एक जो प्रोजेक्ट जा रहा है जो बुलेट ट्रेन, इस बुलेट ट्रेन में जो अपना जगह जा रहे है उसमें जो पहले जो बुलेट ट्रेन वाले ने जो हमको जो वादा किया था उसने कि 1 गुंठे का हम आपको 1,75,000 दाम देगा ऐसा, जो पहले जो ये पहले जो आया था पहले बुलेट ट्रेन के जो जापान से एक आया था जो कंपनी का आदमी उसने बोला था हमको कि तो आप मुंह मांगेगा दाम देगा ऐसा, मुंह मांगा दाम दिया जाएगा ऐसा बोला था। तो फिर हमने तो भी हम हमारी जमीन नहीं दिया क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा जमीन है ही नहीं। हाँ।
तो उसी ने हमको पहले ही बोला, हम ऐसा गांव सबकी मीटिंग लगाई, उसमें वो आया था जापान का जो मेन अधिकारी, उसके साथ बात हुई तो हम मुंह मांगे दाम देगा तो हमको देगा कि जमीन, आदमी बात करना पड़ेगा ऐसा ऐसा करके करके हमने हर एक बार हमें संघर्ष किया, ये मोर्चे लगाए तहसील तलाटी अपने तहसील प्रांत पर ऐसा ये किया। तो उसने बाद में हमारे ऐसा एक मीटिंग बुलवाई ग्राम पंचायत में, उसमें उसने वादा किया कि हम आपको एक गुंठे का 175,000 देगा, तो भी हम नहीं देगा, तो वो बोले हम आपको पासपोर्ट देगा ऐसा, एक गुंठे का पासपोर्ट। अभी जब पैसा दे रहे हैं खाली 30,000। अच्छा, जो 175,000 का वादा किया था उससे जब एक्चुअल पैसे की बात आ रही है तो 30,000 बता रहे हैं। हमने जो सिंगल रेट बताया तो सिंगल रेट 175,000 उसने बोला, ना अभी जो दे रहा है 30,000 तो उसका जो पासपोर्ट दे रहा है ऐसा बोला ना, तो पासपोर्ट तो पासपोर्ट में कितना होना चाहिए, कम से कम 8.5 लाख होना चाहिए एक गुंठे का, एक गुंठे का, और दे रहा है 30,000। अच्छा, तो अगर आपको उचित मुआवजा मिले आपकी जमीन का और आपको पुनर्वास कर दिया जाए, जमीन के बदले कुछ जमीन भी दे दी जाए, तो आप बुलेट ट्रेन का विरोध छोड़ देंगे ये कह रहे हैं? हमको जो उसने वादा किया, हम जो ग्राम पंचायत से ये दिया है ना ठहराव दिया है, जो हमारे जो शर्तें हैं उसके ऊपर हमने ठहराव दिया है, जो जिसकी जी जमीन जा रही है उसको हर एक आदमी को एक नौकरी, और जो आदमी की जी जगह जा रहे है उसको जमीन जाने तो के बाद कह रहे हैं कि अगर बुलेट ट्रेन जाए और तो पहले जो ग्राम सभा ने जो फैसला दिया है, जो शर्तें रखी हैं वो पूरी करनी होंगी। अगर आप एक आदमी को नौकरी दे दें परिवार से और उचित मुआवजा दे दें तो फिर आप बुलेट ट्रेन का विरोध करना बंद कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बताइए कि कुल कितने परिवार होंगे जिनकी जमीन जाएगी और कितनी जमीन जाने वाली है इस गाँव की? इस गांव की कम से कम 350 एकड़ जाने वाले है जमीन, इसमें कम से कम 90 कुटुंब उद्वस्त होएगा। हाँ, 90 परिवार। और कितनी जमीन बताई आपने? 350 एकड़। 350 एकड़। हाँ। तो दोस्तों, जब हम लोग दिल्ली में होते हैं और संसद की कार्यवाही हो रही होती है और उसमें भूमि अधिग्रहण कानून में सरकार बदलाव की कोशिश करती है, उसका विरोध होता है, तो कई बार समझ में नहीं आता है और हम लोगों को ये बताया जाता है कि देश के विकास के लिए कानूनों को लचीला बनाना ज़रूरी है जिससे कि ज़मीन अधिग्रहण आसान हो जाए। लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये कानून क्यों ज़रूरी हैं और इनके अंदर अगर कोई बदलाव की कोशिश होती है तो उन पर क्यों चर्चा, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लोगों की राय ले जानी चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर यहाँ से बुलेट ट्रेन निकलेगी तो आपके लड़के लड़कियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अवसर आएंगे रोज़गार के, आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन हमके आदिवासी जो गरीब जनता के लिए तो है ही नहीं, ये तो बड़े भांडवलदार के लिए है ना। हाँ। इसमें हमारा जो आदिवासी लोगों का जो जमीन जाती है उसके लिए कुछ नहीं फायदा होगा। हमारा जो कहना था कि यहाँ से जो बुलेट ट्रेन जाती है तो जो जाती है तो इसमें से कोई किसी को रोजगार देना, तो रोजगार तो नहीं दे रहा है। ये हमारी मांग है। तो आप खुद बताएं कि रमेश जी जो कह रहे हैं कि जो बुलेट ट्रेन है वो तो बड़े लोगों के लिए है जो मुंबई जाना चाहते हैं या सूरत जाना चाहते हैं या अहमदाबाद जाना चाहते हैं व्यापार के सिलसिले में या दूसरे अवसरों के सिलसिले में, लेकिन आदिवासी जो गांव में बसता है वो तो खेती और जंगल के भरोसे जीता है। उसका ये कहना कि अगर आप हमारी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं तो कम से कम एक उस परिवार के आदमी को नौकरी दे दी जाए, क्या ये मांग नाजायज है? बताइएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो आप लोग खेती करते हैं या और जीविका के लिए क्या क्या, कैसे एक आदिवासी जीता है, उसका थोड़ा सा हमें एक आइडिया दीजिए। यहाँ तो सिर्फ हम तो ये धान ही पकाता है एक ही बार, दोबारा तो पीक होता नहीं। हाँ। और जो हमारा जो नैसर्गिक जो है हमारे थोड़ा फार किसी के पास जो ताड़ी निकालता है उसके ऊपर ये करता है, और जो कोई कंपनी में जाता है, कंपनी तो कायम स्वरूपी नौकरी तो मिलती नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में चलता है।
तो एक आदिवासी परिवार के लिए मान लीजिए जैसे आपकी जमीन एक्वायर होती है तो आपको 25-30 लाख रुपया मिल जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि आपके परिवार के पास अवसर होगा अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई और नया काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगता है आपको? नहीं ऐसा क्या, 25 अभी अपने जो एक नोटिस देखा उसके ऊपर कितना था, 12 लाख रुपए था, और 12 लाख के ऊपर किसी का, चार जन का, चार पांच जन का हिस्सा है, इसमें 12 में कितने बाट में आएगा, 3 लाख, तो इसमें क्या करेगा वो? जो यहाँ के जो पुराने जो ये दुकानदार है, बड़े भंडवलदार लोग, उसी के यहाँ दुकान चलता है, वो तो अपन दुकान वगैरह जो डालेगा तो अपना तो चलेगा नहीं। 3 लाख रुपए में बड़े बाजार में तो दुकान मिलेगी नहीं, मिलेगा नहीं। हम लोगों को अक्सर लगता है कि किसान को अगर जमीन के बदले में पैसा दे दिया जाएगा तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, यही आदिवासियों के बारे में भी कहा जाता है। देश में विकास हो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं आए, आनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उस विकास की यात्रा में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसकी जमीन इन विकास परियोजनाओं के लिए ली जा रही है? जो अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों का अनुभव है वो बहुत कड़वा अनुभव है, और हमें ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि आदिवासी इलाकों में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको कहते हैं संचय और पैसे का इस्तेमाल, निवेश, वो उसकी जानकारी शायद उतनी नहीं है जितनी शहरी इलाकों में या कस्बों में या उन इलाकों में जहाँ पर व्यापार होता है, उतना शायद आदिवासी इलाकों में लोग नहीं जानते। क्या मैं सही कह रहा हूँ रमेश जी, कि कई बार ऐसा होता है कि आदिवासी किसानों को पैसा मिलता है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, उनकी ज़मीन भी चली जाती है और पैसा भी खर्च हो जाता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई रोजगार बना सकते हैं, अपना कोई स्थायी कमाई का धंधा बना सकते हैं, ऐसा होता है क्या? क्या अनुभव है आपका? नहीं ऐसा तो कोई नहीं, 2 लाख में तो अभी देख, आप देख रहे हो घर कैसा है, जो आपकी जमीन जाएगी उसका जो 10-12 लाख जो मिलेगा तो पहला वो क्या सोचेगा, मेरा मकान अच्छा करूं, इसमें पैसा तो निकल जाएगा, धंधे के बारे में जो विकास इसके लिए तो थोड़ा सा ब्याह शादी में खर्च कर देगा, नहीं तो 2 दिन में खत्म। ये एक बात यह है कि जो शहरी इलाके में घुंटे का 2.5 लाख दे रहा है, यहाँ जो 30,000 दे रहा है, तो ये जमीन है ना, वो जमीन नहीं, क्या ये कर रहे ना? ये बात बिल्कुल सही है रमेश जी की, इस बात को की काट नहीं हो सकती है कि अगर आपकी जमीन शहर में है और सरकार उस जमीन को एक्वायर करती है तो लाखों करोड़ों में मुआवजा देती है, और आदिवासी की जमीन जब एक्वायर की जाती है तो उसको 30,000 रुपया गुंटा का ऑफर किया जाता है। वो कह रहे हैं कि यही जो पास में जो शहर है, दहाणु की आप बात कर रहे हैं, दहाणु में एक गुंटा की कितनी कीमत है? 2.5 लाख। और यहाँ पर 30,000 ऑफर किया जा रहा है, तो उनका सीधा सा सवाल है कि आदिवासी की जमीन क्या आदिवासी की जमीन नहीं है? तो ये चीजें हैं, ये सवाल हैं जो यहाँ धामन गांव में लोग पूछ रहे हैं, और इन आदिवासियों के विरोध की वजह से बुलेट ट्रेन के लिए जो जमीन एक्वायर होनी है वो रुका हुआ है। तो जब आप इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के बारे में सुनते हैं और जब हमें और आपको ये ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों की ज़मीन इन परियोजनाओं के लिए जा रही है उनका भविष्य क्या होगा? क्या देश के भविष्य के साथ देश के आदिवासियों का भविष्य नहीं जुड़ना चाहिए? क्या उनको इस विकास यात्रा में साथ नहीं लिया जाना चाहिए? और अगर साथ लेने की बात होती है तो वो साथ कैसे लिया जाएगा? क्या उनको रोजगार के नए अवसर नहीं दिए जाने चाहिए? क्या उनके पुनर्वास को ईमानदारी से नहीं किया जाना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत को सुन के आप इस बारे में सोचेंगे, और जो बातें रमेश जी ने कही हैं और जो बाकी लोगों ने इस गाँव के कही हैं, उन बातों के बाद कुछ बातें और स्पष्ट हुई होंगी, आपने भी उन बातों को समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी भारत का ये सिलसिला चलता रहेगा लगातार, आदिवासी भारत के मसले हम लेकर आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी रिपोर्ट्स को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।